Hello everyone, welcome to Clipboard Education. Today we will learn chapter 9. The name of this chapter is soil. So let's move. We have four keywords today. The first one is anchorage. Anchorage ka meaning hota grip, sahara. Anchor se bana hai anchorage. Anchor maane hota langar. Langar kya hota hai? Jo jahaj hote hain, pani ke jahaj, vessels, jo bade bade समुद्री जहाज होते हैं, उनको किनारे पर खड़ा रखने के लिए लंगर डाले जाते हैं, तो उनको एंकर कहा जाता है. उसी से वर्ड बना है एंकरेज. एंकरेज मीन्स ग्रिप या सहारा. क्रेविसेस, क्रेविसेस होती हैं क्रैक्स, दरारें, पत्थर या भूमि में जो दरारें पड़ जाती हैं उनको क्रेविसेस कहा जाता है. थर्ड है परकुलेशन. परकुलेशन होता है लीकेज. धरती में जब हम पानी डालते हैं तो वह धरती में समा जाता है, तो जो पृथ्वी का सोखने का जो रेट होता है उसको कहा जाता है परकुलेशन रेट. पृथ्वी के अंदर नमी को सोखने की क्षमता परकुलेशन रेट कहलाता है. चौथा है सिमरिंग. सिमरिंग होता है शाइनिंग, चमकना. चलिए आज हम सॉइल चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, सॉइल माने होती मिट्टी. मिट्टी में सबसे ऊपर की जो डेड एक त्वचा होती है, डेड मैटर की एक लेयर होती है जिसको हम स्किन कहते हैं, भूमि की त्वचा कहते हैं. द रॉटन डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस क्या होती है? किसी भी पृथ्वी की जो ऊपरी डेड एक लेयर है, मिट्टी की मरी हुई जो परत होती है उसको ह्यूमस कहते हैं. मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण होता है विदरिंग फेनोमेना से. विदरिंग क्या है? कि जो चट्टाने हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएँ हवा से, पानी से या जलवायु से, तो इस प्रकार की घटना विदरिंग कहलाती है. और विदरिंग के फलस्वरूप जो जब चट्टाने हैं रॉक्स हैं वो टूटेंगी तो सॉइल का निर्माण होता है. थर्ड पॉइंट है अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल है क्या? मतलब मिट्टी का प्रोफाइल. मिट्टी का प्रोफाइल यानी मिट्टी का जो हिस्सा है उसमें सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा कौन सा है, तीसरा हिस्सा कौन सा है, चौथा हिस्सा कौन सा है. तो सॉइल प्रोफाइल होता है मिट्टी के अलग अलग लेयर्स का सेक्शन, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. चौथा है, और जो प्रत्येक लेयर होती है मिट्टी की वो कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन में अलग अलग होती है. इनको क्या कहा जाता है? हॉरिजन्स कहा जाता है. अभी हम डायग्राम देखते हैं. देखिए ये डायग्राम है. कोई भी मिट्टी का सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? मिट्टी के अलग अलग लेयर्स का कॉम्बिनेशन. इसमें कितनी लेयर्स हैं? इसमें तीन लेयर्स हैं और चौथी बेड रॉक है, तो टोटल मिला के चार आपकी लेयर्स हैं. जो पहला लेयर होता है उसको ए होरिजन कहा जाता है, फिर उसके जो नीचे वाला है बी होरिजन, फिर सी होरिजन और लास्ट में बेड रॉक होता है. पहले होरिजन जो सब ए होरिजन है. और देखिए चौथा पॉइंट था पेज नंबर एक पे, उसमें बताया गया था कि सारी जो लेयर्स होती हैं वो डिफर करती हैं कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन में, और इन लेयर्स को हम होरिजन्स भी कहते हैं. तो सबसे पहला जो होरिजन होता है वह हमेशा डार्क इन कलर रहेगा और उसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं. ह्यूमस क्या है? रोटन डेड मैटर इन द अपर होरिजन. माने जो ब्लैक जो कलर की आपने मिट्टी देखी होगी उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है. तो जो अपर मोस्ट होरिजन होता है वो उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें मिनरल्स और ह्यूमस ज़्यादा पाए जाते हैं. ह्यूमस का काम क्या होता है? ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. जो ह्यूमस ही है जो भूमि को और उपजाऊ बनाता है और पोषक तत्व तो प्रदान करता है. मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वही मिट्टी को फर्टाइल और पोषक तत्व प्रदान करता है, उपजाऊ बनाता है और पोषक तत्वों की कमी दूर करता है. नेक्स्ट, पेज नंबर थर्ड. चार पॉइंट्स है पेज नंबर थर्ड में. द फर्स्ट वन इज द अपर लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, इट इज कॉल्ड द ईवन लेयर द टॉप सॉइल. जो पहली लेयर होती है ई वन होरिजन था, जो डायग्राम में ई होरिजन था, वह सॉफ्ट होती है, छिद्रदार होती है और उसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है. इसको कहा जाता है टॉप सॉइल और ई वन लेयर. और जो दूसरी लेयर होती है द नेक्स्ट लेयर
हैजा, यहाँ पे दूसरी लेयर की माने बी होरिजन, जो दूसरी लेयर होती है उसमें कम थोड़ी ह्यूमस पाई जाती है बट मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और थोड़ी हार्ड भी होती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट भी होती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट माने जिसमें जिसको जिसके बीच में गैपिंग ना हो, जिसके पार्टिकल्स के बीच में, कॉम्पैक्ट माने कठोर होती है, इसको होरिजन बी या मिडिल लेयर कहते हैं। और जो तीसरी लेयर है जब इट और वह बनी होती स्मॉल लम्स से, लम्स माने मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों से, स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विद क्रेव्स विद क्रेक्स एंड क्रेविसेस। जो तीसरी लेयर सी ओरिजन है, पहली लेयर ए ओरिजन थी, बी दूसरी लेयर बी ओरिजन थी, और जो तीसरी लेयर सी ओरिजन है वह उसमें क्या होता, उसमें रॉक्स के लम्स होते हैं और लम्स के बीच में क्रैक्स और क्रेविसेस पाई जाती हैं, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उनके बीच में दरारें तथा छिद्र होते हैं। और जो चौथी लेयर होती है जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद दिस बेड। और जो चौथी लेयर उसको बेड रॉक है, इसमें चट्टाने हैं। यहाँ पे देखिए, अब चौथी लेयर जो बेड रॉक है इसमें चट्टाने हैं, तो इसको फावड़े से स्पीड माने फावड़ा फावड़े से खोदना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चार लेयर पड़ी हमने, ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन और बेड रॉक। तो सबसे अच्छी ए ओरिजन है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉफ्ट है, पोरस है और ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस ही है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। और ह्यूमस किसमें पाया जाता है, ए वन लेयर में हो। सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है किसके आधार पे, सॉइल के टाइप्स देखिए, प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, मिट्टी के कणों का आकार के आधार पर मिट्टी मुख्यतः तीन प्रकार से बांटी गई है, सैंडी, क्लेई, लोमी। तीन प्रकार की मिट्टी बांटी गई है, सैंडी, क्लेई और लोमी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। मिट्टी को टाइप्स कैसे डिसाइड होते हैं, मिट्टी के जो कण हैं उनके आकार के आधार पर मिट्टी तीन तरीके में बांटी गई है, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। नेक्स्ट पेज नंबर 5, यदि बड़े पार्टिकल से मिट्टी में तो इसको सैंडी कहेंगे, सैंडी माने जैसे अब सैंड माने होती है बालू, बलुई मिट्टी कहते हैं, और यदि थोड़े छोटे पार्टिकल से तो इसको क्लेई मिट्टी कहते हैं, क्लेई सोयल, दोमट मिट्टी कहा जाता है। और इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सोयल इज कॉल्ड लोमी। सबसे अच्छी लोमी होती है, यदि सैंडी सॉइल है तो उसमें बड़े बड़े कण होंगे, यदि क्लेई है उसमें छोटे छोटे कण होंगे, यदि छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कण हैं तो इसको कहा जाता है लोमी सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। यदि मैं कहूँ कि आपके पास तीन मिट्टी दूँ मैं आपको एक गमले में, एक गमले में है लोमी सॉइल, एक में सैंडी और क्ले, तो आप किस में पेड़ लगाओगे, कौन ज़्यादा उपजाऊ रहेगी? सबसे अच्छी पेड़ उगाने के लिए उपजाऊ होती है वो होती है लोमी सॉइल, क्योंकि इसमें बड़े कण भी हैं, छोटे कण भी हैं और सिल्ट भी होती है। सिल्ट माने एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार है सिल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉइल की, सॉइल की प्रॉपर्टीज होती हैं परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट हमने समझा था कितनी जल्दी पानी को एब्जॉर्व करती है मिट्टी, पानी के समाहित होने की दर, मॉइस्चर इन द सॉइल, मिट्टी में मॉइस्चर कैसा रहता है, ये भी सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट मिट्टी किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है किसी स्थान की, सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर्स। यदि मैं कहूँ किसी स्थान विशेष की मिट्टी किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, तो वायु से, वर्षा से, तापमान से, प्रकाश से और आर्द्रता से, ये सारी ही चीज़ें, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स मिट्टी को प्रभावित करते हैं। एंड लास्ट फेज वी हैव फॉर दिस चैप्टर सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा का कटाव। मृदा कटाव होता है कि या तो बारिश से या हवा से या आइस से मिट्टी का जो लैंड सरफेस है, जो भूमि का ऊपरी जो सरफेस है वो कट जाए, वो रिमूव हो जाए अपने स्थान से, हट के दूसरे स्थान पर चला जाए। कैसे जा सकती है, या तो बारिश से कट के जा सकता है या हवा से या जो हिमस्खलन होते हैं उनसे। तो इस प्रकार के कटाव को मिट्टी के एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चले जाने को इरोजन कहते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वी हैव दैट इज क्लेई सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचू। कुम्हार
जिस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं वो कैसी मिट्टी होती है, क्लेई मिट्टी कहते हैं उसको। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू अगेन।